हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज के इस स्पेशल नाइट सेशन में, जहां हम रोज़ की तरह आज फिर एक बार लेकर के आए हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरें जिस पर चर्चा की जाएगी। और यार ये जो खबर है अपने आप में बहुत ज़्यादा खास है और हमारे को बहुत सारी जानकारियाँ दे रही है, तो क्यों ना फिर जानकारी ले ही ली जाए। तो यार चलते हैं, जानते हैं हमारे आज के विषय के बारे में कि किस विषय पर हम लोग आज के सेशन में बात करने वाले हैं और इससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को भी समझेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे भाई OTT सर्विस प्रोवाइडर्स और TSP यानी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के बीच में थोड़ा विवाद चल रहा है भाई। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो रखे हैं और एक दूसरे से बहुत ज्यादा परेशान है। परेशान कौन है? OTT प्लेटफॉर्म वाले परेशान नहीं है भाई, OTT सर्विस प्रोवाइडर बहुत ज्यादा मजे में है, उनको लाभ हो रहा है। दिक्कतें जिसको हो रही है वो है टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर। तो इन दोनों के बीच में बने हुए हैं विवाद, जानेंगे क्या है इनके विवाद, क्या हो रही है दिक्कतें। वहीं इसी बीच भाई जो COAI है इंडिया का, यानी कि सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है भाई, इस COAI ने कुछ नई बातों की सिफारिश की है भारत सरकार से। तो देखते हैं कि वो कौन सी बातें हैं जिनकी सिफारिशें की गई हैं, जिनके बारे में कहा गया, तो इस पे भी चर्चा की जाएगी। तो चलते हैं फिर बिना देर के यार, समझते हैं जानते हैं कि क्या है इनकी लड़ाई, क्यों बना हुआ है विवाद, चाहत क्या है, क्या पूरा नहीं हो रहा है और क्या काम हो रहा है। हर एक चीज़ पर चर्चा की जाएगी, जाना जाएगा, समझा जाएगा, आगे बढ़ा जाएगा। ठीक, क्लियर है सभी लोग को? तो यार अभी के लिए इतना ही करेंगे कि जितने साथी हम लोग के साथ अभी सेशन पे जुड़ गए हैं सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ आप लोगों में जितने लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, सेशन को यार लाइक कर दो एक बार जल्दी से, साथ साथ में सेशन को बाकी लोगों के साथ में भी शेयर कर दीजिए। और भाई जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे रेड बटन को प्रेस करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से इतना काम कर दीजिए, फिर हम लोग आगे की बात करना भी शुरू कर देते हैं। ओके, तो चलते हैं भाई आगे की तरफ। आगे की तरफ चलना कहाँ पर है? आगे की तरफ चलना है जरा यहाँ से कहानी को शुरू करने के लिए। तो कहानी शुरू करते हैं, देखते हैं ये क्या कह रहा है। यह कह रहा है कि भाई दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि भाई OTT सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो भाई यहाँ पर हमारे TSP टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, ये दोनों आमने सामने हो गए हैं। टेलीकॉम वाले OTT वालों को पसंद नहीं कर रहे हैं, बड़ा विवाद है। ये विवाद भी बताऊंगा और फिर आप लोग भी अग्री करोगे कि सर ऐसा ही होता था एक समय, लेकिन अब तो यह हम लोगों के लिए अच्छा हो गया ना, कंडीशन हम लोग अच्छे बना दिए, लेकिन ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि इनकी चीजें कुछ छिन गई हैं इनसे OTT प्लेटफॉर्म्स की वजह से। वहीं दूसरी बात क्या हुआ है भाई, COAI यानी कि सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने भारत सरकार से कहा है कि अभी आप जो हैं आप OTT प्लेटफॉर्म्स जैसे कि व्हाट्सएप है हमारा, ट्विटर व्हाट्सएप है, हाइक है, वाइबर है, वीचैट है, टेलीग्राम है, आप इनको अभी ज्यादा रेगुलेट नहीं करोगे। ठीक है, कहा है कि आप अभी इनको लेकर के ज्यादा कुछ नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि अभी थोड़ी दिक्कत है, इंटरनेशनल लॉज वगैरह नहीं है। तो कहा है कि अभी आपको क्या करना है, जब तक इनके लिए लाइसेंसिंग की व्यवस्था नहीं हो जाती, यानी कि इनको लेकर के आप नियम कानून तय नहीं कर लेते कि किन कानूनों के तहत, किन नियमों के तहत इन OTT प्लेटफॉर्म को रहना है और एक समान व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि समान सेवा और समान नियम होने चाहिए, चाहे वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हो या फिर OTT सर्विस प्रोवाइडर हो, क्योंकि काम दोनों सेम कर रहे हैं, तो इसीलिए इनके लिए समान सेवा और समान नियम की व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए व्यवस्था में। ठीक है, तो इसलिए कह दिया कि जब तक भाई हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारे देश में इन OTT प्लेटफॉर्म्स, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे वीचैट हो, चाहे वाइबर हो, चाहे स्काइप हो या व्हाटएवर इज दैट, भाई इसके लिए अगर लाइसेंसिंग का सिस्टम नहीं हुआ जब तक, और जब तक समान सेवा समान नियम की व्यवस्था नहीं हो पाई, तब तक आप क्या करेंगे, आप टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर नेट न्यूट्रलिटी लागू नहीं करेंगे। टेलीकॉम ऑपरेटर्स के ऊपर नेट न्यूट्रलिटी लागू नहीं करेंगे आप, इसको लेकर के बात जो है वो इन्होंने क्लियर कर दी है। अब यही मामला तो है जिस मामले को जानना है, समझना है और सेशन को आगे बढ़ाना भी है। तो क्या है यह मामला, जरा एक बार चर्चा हो जाए इसके ऊपर। अब ठीक, पहले स्थिति समझते हैं कि OTT प्लेटफॉर्म्स और TSP प्रोवाइडर्स के आपने भाई विवाद क्या चल रहा है, यानी कि एक तरफ OTT प्रोवाइडर्स हैं यह खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ खड़े हुए हैं टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कह रहे हैं कि OTT वालों ने हमारे हितों का नुकसान किया है, हमारी चीजों को इन्होंने हानि पहुंचाई है, परेशान किया है। इसको लेकर के मामला एक लंबे समय से चलता आ रहा है। क्या लंबे समय का मामला, जरा मामले को एक बार समझते हैं। मामला यहां पर क्या है, मामला ऐसा हुआ करता था अगर हम आज से बात समझें लगभग 10-12 साल पहले की, ठीक है ना, आज से लगभग 10 साल पीछे चलते हैं हम लोग। ठीक, क्या हुआ करता था उस समय, स्थिति ऐसी हुआ करती थी, TSP हुआ करते थे, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स थे हमारे पास। और अगर हम आज से 10 साल पहले की बात करें तो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर बहुत सारे थे। आज कितने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं हम लोग के पास में, मात्र और मात्र गिनती के 3 हैं आज के समय में हम लोग के पास में, जिसमें से एक का नाम हम जानते हैं रिलायंस जियो, दूसरे का नाम हम जानते हैं भारती एयरटेल, और तीसरे का नाम हम जानते हैं VI यानी कि वोडाफोन आइडिया कंबाइंड हो गए थे। अगर आज से 10 साल पहले के समझो कितने सारे थे, गिनते हैं जरा थोड़े से, टाटा इंडिकॉम,
हच टाटा का ही डोको में था, डॉल्फिन भी था, ठीक है, बीएसएनएल की सिम्स भी चला करती थी उस समय, और भाई एयरटेल वोडाफोन था, आइडिया था, और साथ साथ में भाई एयरसेल भी हुआ करता था, रिलायंस की सिम भी अलग हुआ करती है, नहीं लगभग लगभग 10-12 सर्विस प्रोवाइडर थे आज से 10 साल पहले। लेकिन 10 साल का समय जो ख़त्म हुआ इसमें 3 रह गए भाई, ऐसी क्या मार पड़ी कि पानी भी नहीं मिल पाया इन लोगों को, और सब के सब निपटते चले गए, सारे के सारे ख़त्म हो गए, क्या वजह रही होगी इसके पीछे की, तो इस वजह को पहले जानी है। उसी वजह से आज के भी जितने ये 3 बच रहे हैं ये तीनों भी परेशान हैं। अब से 10 साल पहले तक की व्यवस्था ऐसी हुआ करती थी भाई कि आपको अगर किसी को कॉल करनी है, यानी कि आप चाहते हैं किसी से आवाज़ बात की जाए या चेहरे से चेहरे देखकर, चेहरा चेहरा तो यार एंड्रॉयड के बाद हुआ था, लेकिन उससे पहले जो सिस्टम था वो या तो आवाज़ से आवाज़ चलता था या सिस्टम था लिख करके मैसेज भेज दीजिए, ठीक है। अब उस समय की कंडीशन क्या थी, कंडीशन यह हुआ करती थी कि भाई आपके रिचार्ज करवाना पड़ता था खास, अगर आप बात करना चाहते हैं तो, ठीक है, आपकी मर्जी है, एक रेट फिक्स हुआ करता था कंपनी का, कंपनी उसी रेट से सबको चार्ज किया करती थी। वहीं दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कुछ खास स्कीम अवेल करना, कुछ खास बेनिफिट्स लेना, तो कुछ टैरिफ प्लान हुआ करते थे, टैरिफ प्लान्स को आप अपने फोन में अप्लाई करवाइए, रिचार्ज करवाइए, और उसके बाद फिर आप इजीली बात कर सकते थे। बात क्लियर है, तो यह सिस्टम भी हुआ करता था। अब लेकिन क्या हो गया, यह पुरानी नीति थी, और साथ साथ में नीति एक ये भी थी कि अगर आप मैसेज कर दिया गलती से आपने किसी को, तो मैसेज करते ही आपके फोन में से बैलेंस का 1 रुपये कट जाया करता था। वहीं साथ साथ अगर भाई आप चाहते हैं कि आपको किसी को बहुत सारे मैसेज करना है, यानी कि उस समय भी यार ऐसे प्राणी हुआ करते थे जो प्राणी मैसेजों पे बात करना पसंद किया करते थे, ठीक है, तो उन लोगों के लिए खास स्कीम हुआ करती थी कि भैया आप अपना SMS रिचार्ज करवाइए और कहानी चलाते रहिए, बात सभी के लिए क्लियर हो गई। तो ये पुरानी स्कीम थी, आज से हम बात कर रहे हैं लगभग 10 साल पहले की, जब केवल और केवल कॉल्स पे बात किया जाता था, और उसके लिए हमारे जितने सारे प्रोवाइडर्स थे सभी लोग स्कीम हम लोगों को प्रोवाइड करते थे, उसके तहत हम लोग काम करते थे, तो SMS शुल्क लगा करता था उस समय, और साथ साथ में हमारे पास कॉलिंग के लिए भी बहुत खास व्यवस्था थी, शुल्क लगते थे। अब इसी बीच क्या हुआ, धीरे धीरे भाई मार्केट में कुछ समय के बाद लगभग 2010 के दरमियान क्या हुआ, मार्केट में एक नया प्लेटफॉर्म देखने को मिला, एक नई चीज़ आ गई, उस नई चीज़ का नाम क्या था, व्हाट्सएप। यानी कि पहले एंड्रॉयड फ़ोन आ गया, एंड्रॉयड फ़ोन आने के बाद में क्या हुआ भाई, हम सभी लोग एंड्रॉयड होने लगे, स्मार्ट होने लगे, और स्मार्ट होने की दिशा में हम लोगों को एक प्लेटफॉर्म देखने को मिला जिसका नाम था व्हाट्सएप भाई। व्हाट्सएप से पहले भी एक प्लेटफॉर्म था, लेकिन वो प्लेटफॉर्म आप मोबाइल फ़ोन में यूज़ नहीं कर सकते थे, उस प्लेटफॉर्म का नाम है फेसबुक, ठीक है ना, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या था, फेसबुक नाम हुआ करता था, फेसबुक अवेलेबल था, ठीक, आप चैट कर सकते थे, मैसेज तो भेज सकते थे फेसबुक पे, ट्रेंड बहुत ज़्यादा तगड़ा था इसका भी उस समय, लेकिन साथ साथ में आपको कॉलिंग वगैरह जो करना होता था वो आप कर सकते थे, बट उसमें आपके पास कंप्यूटर वगैरह होना चाहिए, उसमें वेबकैम वगैरह होना चाहिए, या अपना इसका कुछ कैमरा होना चाहिए, तो ही आप यूज़ कर सकते थे, अन्यथा आप उसमें यूज़ नहीं कर सकते थे। कुछ कुछ डेवलप किया था इसने उस समय, लेकिन भाई जब से व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप ने भाई कायाकल्प पलट दिया इन लोगों का, काया पूरी की पूरी पलट दी, कायाकल्प पलट कर दिया इनका। कैसे किया काया पलट, जरा यह समझो, यहाँ पे व्हाट्सएप के समय में स्थिति कुछ इस प्रकार से यह हो गई कि व्हाट्सएप जब आया तो इसने भाई साहब सबसे पहले स्कीम शुरू की SMS को लेकर के, SMS के बाद ये आ गया भाई साहब आपकी वॉइस कॉल के ऊपर, फिर ये आ गया आपकी वीडियो कॉल के ऊपर, ठीक है। अब एक स्थिति देखो कि SMS के लिए जो ये हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स थे ये क्या कर रहे थे, मैसेज करोगे तो भाई या तो 1 रुपया पे करना पड़ेगा, 1.5 रुपया पे करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको स्पेशल रिचार्ज करवाना है, वॉइस कॉल करोगे तो रिचार्ज की व्यवस्था उसके आप नहीं कर सकते, और वीडियो कॉल के लिए तो भाई साहब रेट जो थे बहुत ज़्यादा हाई थे, कोई सोचता भी नहीं था, कहते थे कि भाई तुम आवाज़ सुना दो, हम उसी में संतुष्ट है, तुम्हारी आवाज़ सुन ली तो हमने पता कर लिया है कि तुम जिंदा हो, इतना काफ़ी है हम लोगों के लिए, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि मनी मैटर्स अलॉट भाई, ठीक है ना, पैसा चला जाएगा तो फिर यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। अब इसके बाद क्या हुआ भाई, यह दिक्कतें शुरू में थी, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ने बहुत हैवी भाई रेट लगा रखे थे एक चीज़ के। जैसे ही व्हाट्सएप आया, व्हाट्सएप ने आकर के कुछ कर दिया, आपको वॉइस कॉल भी दे रहा है, वीडियो कॉल भी देने लग गया, SMS तो दे ही रहा था शुरू से ही। अब ऐसी कंडीशन में लोगों ने क्या किया, लोग भाई इंटरनेट डलवाने लगे। अब इंटरनेट डलवाते थे तो कॉल नहीं करते थे, कॉल नहीं करते थे क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्री कॉल हो रही है, इधर भी व्हाट्सएप उधर ही व्हाट्सएप, दे मिलाओ बटन दबा करके और सीधा बात करना शुरू। शुरू शुरू में दिक्कतें हुआ करती थी नेटवर्क को लेकर के, लेकिन बातें खो गई। अब धीरे धीरे उन्होंने अपने आपको सुधारा, और सुधारते सुधारते आज ऐसी स्थिति में आ गए कि भाई लोग पूरे पूरे दिन बात करते हैं, पूरी पूरी रात बात करते हैं भाई, वॉइस कॉल चल रही है, वीडियो कॉल चल रही है, भाई कोई पैसा नहीं लग रहा, बिना किसी पैसे के, ठीक, ये अब के समय था। अब तो खैर जब से जियो आ गया, जियो ने तो और ज़्यादा अस्त व्यस्त कर दी है मामले की, लेकिन उससे पहले भी स्थिति ये थी, और ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, और इनका तब से ही ये विवाद चल रहा है कि भाई आपने हमारे जो टेली कम्युनिकेशन प्रोवाइडर्स हैं इनके अधिकारों को छीना है, आपने हमारे हितों का हनन कर लिया, तो इधर से हित चले गए, क्योंकि लाभ कहाँ हो रहा है भाई, लोग पसंद कर रहे थे OTT को, क्योंकि OTT जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबको दिख रहा था कि भाई इंटरनेट तो यार हम डलवाते ही हैं, ये तो हम लोगों के लिए कॉमन है, बहुत सारे लोग उस समय भी हुआ करते थे वाईफाई वाले
वाले, लेकिन काम चला करता था। तो लोगों ने क्या किया भाई, व्हाट्सएप के माध्यम से वॉइस कॉल और वीडियो कॉल करना शुरू कर दिया। अब जब उधर से कॉल होने लगी तो क्या हो गया कि लोगों ने भाई टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की सेवाएं लेना बंद कर दिया। कुछ लोग तो ऐसे हो गए भाई पूरे पूरे साल रिचार्ज नहीं करवाते थे, साल बीते जा रहा है भाई महीनों बीत गए रिचार्ज ही नहीं करवाया, सिम चल रही है ना, इनकमिंग आ रही है, आउटगोइंग की जरूरत क्या है, नहीं करवानी है। जियो के आने के बाद तो लोगों ने और बेशर्माई दिखाई, रिचार्ज करवाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। बात सभी को क्लियर हो गई इतनी, ओके। अब यही है इनके बीच की महत्वपूर्ण वजह। महत्वपूर्ण वजह कैसे है कि भाई इन सभी चीजों का जो आधार था, जो मुख्य बेस था, वो बेस किसने तैयार करा, वो बेस तैयार करा टेलीकॉम कंपनीज ने। ठीक, टेलीकॉम कंपनी चाहे वो कोई सी भी हो, सबने भाई पहले इसी क्षेत्र में काम किया, जो भी इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हुआ करते थे उन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो किया और फॉलो करते हुए ही आगे बढ़े थे। अब इसी बीच में भाई व्हाट्सएप आ गया, व्हाट्सएप को देखे देखे और प्लेटफॉर्म आए, जैसे कि स्काइप काफी टाइम चल रहा है, ठीक है, वाइबर देखा हम लोगों ने हाइक देखा, आजकल टेलीग्राम चल रहा है, अब तो और भी बहुत सारे लगातार आ रहे हैं। तो इस वजह से क्या हुआ कि टेलीकॉम कंपनीज का जो मार्जिन निकलता था, जो इन्वेस्टमेंट का उनका पैसा आता था और उनको जो भी लाभ मिलता था, वो लाभ वगैरह मिलना बंद हो गया और उनको इस पूरे के पूरे व्यापार में नुकसान मिलने लगा। अब जब भाई नुकसान मिल रहा है तो ऐसी कंपनी कौन चलाएगा, आप बताइए, आप चलाना पसंद करेंगे अपनी कंपनी अगर आपको नुकसान दे रही है तो? इवन आपने जो उसमें इन्वेस्ट किया है अगर वही पैसा नहीं निकल पा रहा है तो आप चलाएंगे कंपनी? नहीं चलाएंगे, कोई भी चलाना नहीं पसंद करेगा, सबकी यह खास बात होती है। तो इसी वजह से फर्क यह है कि आज से 10 साल पहले हमारे मार्केट में जो 12-13 प्रोवाइडर्स हुआ करते थे, अब कितने रह गए हैं, मात्र और मात्र 3 प्रोवाइडर्स रह गए, यानी कि भारतीय, एयरटेल, वीआई और जियो, सिर्फ ये बच्चे हैं भाई साहब, जितने एयरसेल थे, हच, टाटा और रिलायंस का पुराना वाला जो था उसको तो उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, मतलब बहुत सारी जितने से डॉल्फिन, बीएसएनएल वगैरह सब निपट गए इस बाजार के अंदर और सबको अस्त व्यस्त कर दिया, क्योंकि भाई लोगों ने कॉलिंग के लिए इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम कर दिया था। ठीक, तो पहली की पहली महत्वपूर्ण वजह ये है। अब यहाँ पर भाई ये वजह क्यों बन रही है, ये वजह कारण भी समझो। अगर टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि मान लीजिए आपके चाहे एयरटेल है, चाहे जियो है, चाहे वोडाफोन है या व्हाटएवर वगैरह वगैरह इज दैट, इन्होंने जब जब भाई इस मार्केट में एंट्री की है तो मार्केट में एंट्री करने के बाद इनको बहुत सारी चीज़ों का पालन करना पड़ता था, यानी कि लाइसेंस लेना पड़ता था, टैरिफ देना पड़ता था, टैक्स वगैरह देने पड़ते थे और जितने भी रेगुलेशंस होते थे, लाइसेंस वगैरह लेना, इन सभी चीज़ों को इनको फॉलो करना पड़ता था। जब आप ये सब चीज़ें फॉलो कर लेंगे, आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल जाएगा, तब जाकर के आप एक टेलीकॉम कंपनी बनेंगे और टेलीकॉम कंपनी बनने आने के बाद तब आप सिम रिलीज करेंगे और उसको लोग खरीदेंगे, तब वो लोग आपकी सिम का इस्तेमाल करते हुए किसी से बात कर सकते हैं, किसी को मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं सकती थी। अगर आप नहीं करते हैं प्रोसीजर फॉलो तो आप एक टेलीकॉम कंपनी नहीं बन सकते थे। लेकिन आप बताइए कि व्हाट्सएप ने क्या किया, वाइबर ने क्या किया, हाइक ने क्या किया, इन लोगों ने क्या डेवलप किया? कुछ भी डेवलप नहीं किया, क्योंकि यह बस एक एप्लीकेशन लेकर के और वो बस इन्होंने यह सिस्टम तैयार कर लिया कि भाई अगर वही एप्लीकेशन एक फोन में है, वही एप्लीकेशन दूसरे फोन में, तो भाई उसको लिंक कर सकते हैं, उनको आपस में सर्वर से कनेक्ट किया जाए, कनेक्ट करने के बाद आपकी कॉल्स, वीडियो कॉल सब कुछ चलेगी बढ़िया से। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक का मामला सारा क्लियर हो गया, यहां तक दिक्कतें नहीं होंगी आप लोगों को। ठीक है भाई, अब जब यहां तक की दिक्कतें नहीं है, इतना मामला क्लियर हो गया, तो इतनी चीजें जाने लेने के बाद आप समझ गए हैं कि दिक्कत कहां हो रही है, नुकसान कहां हो रहा है। नुकसान सिर्फ वहीं हो रहा है जो काम टेलीकॉम कंपनीज का था, वो काम ले लिया है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने, यानी कि टेलीकॉम कंपनियां ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, इनके पास सिर्फ ऑप्शन इतना था कि भाई आप लोगों को कॉल्स करने के लिए बैलेंस देंगे, मैसेज की सिस्टम सुविधा देंगे, वीडियो कॉल की दे सकते हैं आप स्मार्टफोन के जमाने में, और साथ साथ इंटरनेट प्रोवाइड करना था। लेकिन क्या हुआ, जो नीचे की मेन तीन चीज थी, तीनों चीजों को हटा दिया गया, एसएमएस हटा दिया, वॉइस कॉल हटा दिया, वीडियो कॉल हटा दिया, लोगों ने यहां पर इस्तेमाल करना बंद कर दिया और लाख कहां चले गए, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए ओटीटी प्लेटफॉर्म से जाकर के लोग वॉइस कॉल, वीडियो कॉल करना शुरू कर दिए हैं। ठीक, तो मामला यहां से बदल गया और यहां से हुआ इन टेलीकॉम प्रोवाइडर को, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को नुकसान, और यही नुकसान वाला मामला चला गया कोर्ट में, बड़े विवाद हुए, बहुत लड़ाइयां हुई इनके बीच में आपस में, और लड़ाई वगैरह के चक्कर में, विवादों के चक्कर में मामला जो है इनका बढ़ता चला गया है अभी फिलहाल। ठीक, अभी एक नया मामला आया है, नया मामला समझिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि भाई हमारे देश के अंदर एक सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन है, ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, डाटा वगैरह का, सेल्यूलर वगैरह जो भी मामला होता है उसको ये ऑपरेट करते हैं। ठीक, इनकी बहुत सारी चीज़ों को ये निगरानी में रखते हैं और देखते हैं कि क्या कोई ऐसा है जो चीज़ों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, टर्म्स एंड कंडीशंस के अगेंस्ट जा रहा है वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें होती है उसके ऊपर ये लोग नज़र रखने का काम करते हैं, यह जिम्मेदारी होती है COAI के ऊपर। ठीक है, लेकिन अब यहां पर क्या हुआ है, इसने रिक्वेस्ट किया गवर्नमेंट से, कहा कि भाई एक काम करो, अभी आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर के इतना कर सकते हो कि जब तक हमारे देश में कोई नया कानून नहीं आता, कैसा कानून, व्हाट्सएप को लेकर के, ऐसे हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, लाइक व्हाट्सएप है, हाइक है, टेलीग्राम, जो भी है ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, अगर इनको लेकर के लाइसेंसिंग का सिस्टम जब तक नहीं आ सकता है,
यानी कि जब तक हम इनके चीज़ों को हमारे देश के कानूनों के तहत नहीं ढाल लेंगे, रेगुलेट नहीं कर लेते, इनके ऊपर कंट्रोल स्थापित नहीं कर लेते भाई, तब तक आपको क्या करना है, तब तक आप जो हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं उनके लिए नेट न्यूट्रलिटी लागू नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो सिस्टम को समझ में आ गया होगा कि भाई हाँ दिक्कत कहाँ हो रही है, और उसी दिक्कत की वजह से कह रहे हैं कि आप OTT के ऊपर क्या करो, लाइसेंस और बाकी जो रेगुलेशंस हैं उनको लागू कर दो। बात क्लियर हो रही है इतना? साथ साथ में यहाँ पर दूसरी बात क्या आ गई, इन्होंने कहा है कि जब तक रेगुलेशन लागू नहीं हो रहे हैं, यानी कि सामान्य सेवा समान नियम लागू नहीं हो रहा, तब तक क्या कर देना है आपको, टेलीकॉम ऑपरेटर्स को आप थोड़ा फ्री रखो और इनको बोलो कि आप नेट न्यूट्रलिटी लागू नहीं करोगे, और नेट न्यूट्रलिटी लागू किए बिना आप अभी व्यवस्था में बनोगे। इतना मामला क्लियर हो गया, वो उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा डाउट होगा अभी यहाँ पर नेट न्यूट्रलिटी के मामले में कि सर नेट न्यूट्रलिटी क्या होता है, इसको जरा और एक्सप्लेन कर देंगे तो हमें फिर पूरा का पूरा केस और समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता लग गया कि OTT प्लेटफॉर्म को तो बोल रहे हैं कि रेगुलेशन के तहत लाना है, लेकिन कह रहे हैं कि टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बोल रहे हैं कि नेट न्यूट्रलिटी नहीं करना है। तो नेट न्यूट्रलिटी क्या मतलब होता है, क्या चीज़ें हैं, ज़रा इसको भी समझ लेते हैं, इसका मतलब क्या है। ठीक है, देखो भाई हमारे मोबाइल फ़ोन्स में क्या होता है, लोग बहुत सारे एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती है जो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास वीडियोस के लिए, जैसे कि आप लोग अभी फिलहाल YouTube पे हम लोग का सेशन अटेंड कर रहे हैं और बातों को मेरी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यह प्लेटफॉर्म YouTube कहलाता है। और YouTube का जो प्लेटफॉर्म है इस पे आप खासतौर पर वीडियोज़ ही देखते हैं ना, तो आप कॉल कर सकते हैं ना मैसेज कर सकते हैं, बाकी और चीज़ें नहीं अवेलेबल यहाँ पे। ठीक, तो क्या होता है कि हर एक ऐप जो होता है वो अलग अलग काम के लिए, कुछ एप्लीकेशन होती है जो पढ़ने के लिए होती है, जिसके ऊपर PDFs वगैरह हो गई बाकी चीज़ें अवेलेबल होती है, कुछ PDF ओपन करने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए, कुछ स्कैन करने के लिए, कुछ कैमराज होते हैं हम लोग के पास, यानी कि हर तरह के अलग अलग होते हैं। अब इस कंडीशन में बात खड़ी होती है नेट न्यूट्रलिटी को लेकर के, अभी कह रहे हैं कि नेट न्यूट्रलिटी लागू नहीं करनी, इसका मतलब क्या होता है, नेट न्यूट्रलिटी लागू अगर हो जाती है तो उसका मतलब है कि आपके मोबाइल फोन में कुछ भी एप्लीकेशन चलेगी, यानी कि आपका जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो आपको क्या करेगा, वो आपको नेट न्यूट्रलिटी देगा, इसके तहत आप कुछ भी एप्लीकेशन यूज करेंगे उसके साथ बराबर से इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाएगा। आप लोग कई बार ऐसे देखते होंगे कि आप कुछ एप्लीकेशन को खोलते हैं तो उसको ओपन करने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, थोड़ी देर से खुलती है वो, कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो एप्लीकेशन बहुत ज्यादा जल्दी खुल जाती हैं। तो ऐसा इन टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का मानना है कि यार कुछ एप्लीकेशन बहुत ज्यादा हैवी होती है, उनको बैंडविड्थ चाहिए होता है, जैसे कि वीडियो एप्लीकेशन हो गए तो टाइम ज्यादा लेती हैं, वहीं कुछ बहुत ज्यादा इजी होती है। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि आप किसी भी तरह से भेदभाव नहीं करेंगे इनके साथ में, और आप हर एक एप्लीकेशन के लिए हर एक चीज के लिए समान डाटा प्रोवाइड करेंगे। वहीं दूसरी बात, आप यहां पर यह नहीं कहोगे कि अगर आपको वीडियो देखनी है, यानी कि अगर आप चाहते हो कि भाई आपको यूट्यूब चलाना है या आपको हॉटस्पॉट हो गया या आपको कोई और प्लेटफॉर्म चलाना है जो उस पर वीडियोज चलती हैं, तो इसके लिए हम ज्यादा पैसा लेंगे, इसके लिए दूसरा रिचार्ज होगा। और आप ये भी नहीं कहोगे कि भाई जो हमारी मैसेजिंग एप्लीकेशन है जिससे आप कॉल्स वगैरह कर रहे हो इनके लिए हम अलग पैसा लेंगे, आप यह कंडीशन भी नहीं लागू कर सकते हो। ठीक है, अगर आप ऐसी कोई कंडीशन लागू करोगे तो यह नेट न्यूट्रलिटी के खिलाफ चला जाएगा मामला। आपको कहाँ रहना है, आपको नेट न्यूट्रलिटी में रहना है, चाहे सर्विस कोई भी आप उसको इक्वल सर्विस प्रोवाइड करेंगे, इक्वल डाटा देंगे, साथ साथ में भाई आप अलग अलग कामों के लिए अलग अलग पैकेज नहीं बनाएंगे, अलग अलग चार्जेस नहीं करेंगे। इतना क्लियर हो गया है बात? तो यह है पूरी की पूरी व्यवस्था और यही कहलाता है हमारे नेट न्यूट्रलिटी, जिसको बोल दिया कि जब तक OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए समानता ना हो जाए, समान कानून नहीं आए, तब तक टेलीकॉम ऑपरेटर्स भी नेट न्यूट्रलिटी लागू नहीं करेंगे। इतना क्लियर है भाई? ओके, यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि भाई डाउट नहीं होगा, आप पूरा पूरा मामला समझ गए होंगे। देखो तो यार, हम लोगों के जो ये सेशंस होते हैं यार स्पेशल चीज़ में, हम सिंगल टॉपिक लेते हैं, यहाँ पर मामला कहाँ अटका होता है, मामला अटका होता है कि आपको बस ये जो इसका बेस है वो बेस समझ में आए, आप समझ जाओ कि मामला कहाँ है, विषय क्या है, इसका आधार कहाँ से चल रहा है। यदि आप इतना क्लियर कर जाओगे, इतना समझ जाओगे बढ़िया से, उसके बाद तो फिर बाकी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ईजिली समझ में आ जाएगी। तो मेन कहानी यहीं पर अटकती है। अगर यहाँ पर कोई डाउट है अभी तक, कुछ जानना चाह रहे हैं या कुछ क्वेश्चन है या कुछ चीज़ क्लियर नहीं हुई है, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग अभी चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन रेज कर दीजिए, अपना डाउट बता दीजिए, तो उसको मैं फिर अभी क्लियर कर दूंगा। और बाकी इसका तब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की ओर। ठीक, अब हम जानते हैं इनसे जुड़ी और चीज़ें, जैसे कि सबसे पहले जानते हैं कि भाई OTT प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, इसका मतलब क्या है, यह बताते हैं पहले। हम लोग बहुत दिनों सुन रहे हैं कि OTT प्लेटफॉर्म चर्चाओं में है। बीते दिन हम लोगों ने देखा था कि भाई अमेजोन जो है हमारा अमेजोन प्राइम, जिसके ऊपर तांडव का विवाद हुआ था बहुत ज़्यादा और तांडव चले थे, इस वजह से वहाँ पर भी OTT बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आया था। और लगातार OTT जो नाम है वो चर्चाओं में रहता है, इसका मतलब क्या होता है? तो भाई OTT का पहली बात तो मतलब ये होता है कि ओवर दी टॉप, यानी कि भाई ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो टॉप से भी ऊपर हैं, यानी कि लोग इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जनता में ये बहुत ज़्यादा बढ़िया से इस्तेमाल होते हैं और सारा एक्सेस जो होता है इसका वो इंटरनेट के माध्यम से होता है। ठीक है, ये होते हैं हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स। अब यह कैसे चलते हैं, क्या होता है इसके अंदर, किन OTT प्लेटफॉर्म की हम बात कर रहे हैं, हम ऐसे प्लेटफॉर्म की बात कर रहे हैं जो क्या करते हैं, जो लोगों को एक IP नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है, यानी कि जैसे कि आप लोग हैं, मैं हूँ, फिलहाल देखो मैं सेशन अटेंड सेशन करवा रहा हूँ, तो मैं जो भी यहाँ से चीज़ें ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ आप तक पहुँच रहा है, ठीक है, वहीं क्या कर रहे हो आप उसको इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हो। तो हम लोग क्या हो रखा है, हम लोग फिलहाल एक आई पी नेटवर्क पर कनेक्ट हो रखे हैं आपस में आकर के, और उस आई पी नेटवर्क पर कनेक्ट होने की वजह से क्या है, हम लोग ये चीज़ों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि ये आई पी नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं, और आई पी नेटवर्क का इस्तेमाल करते हुए यह इंटरनेट के माध्यम से जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, यानी कि जैसे हमारे टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर हो गए या केबल सर्विस प्रोवाइडर हो गए, इन लोगों को ये दरकिनार कर देते हैं, मामले से बिल्कुल साइड कर देते हैं, खिसका देते हैं, और इनका जो बेस होता है, इनका जो ढांचा बना हुआ होता है, उसी ढांचे के ऊपर यह लोगों को ऑडियो और वीडियो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए हमारी केबल किस लिए लगवाते हैं हम लोग, घर में टीवी में हम केबल क्यों लगवाते थे, एक समय था कि केबल के बिना मज़ा नहीं आता था, चाहिए था कि केबल होना चाहिए भाई, कटना नहीं चाहिए, कभी कभार केबल चला गया था तो आतंक काट दिया जाता था, कई बार तो टीवी को भी पीट दिया जाता था कि भाई ये क्या मक्खियाँ भी बिना करेंगे भाई क्यों, कई बार तो पिटाई टीवी में भी लगवा दिया करते थे हम लोग, ऐसा काम हुआ करता था भाई। तो हम लोग क्या करते थे यहाँ पर, अब ये सब चीज़ें चलती थी भाई, मोबाइल फ़ोन का काम क्या था, बात करना भाई, लोगों को कॉन्टैक्ट करवाना, संपर्क करवाना, और लोगों को जोड़े रखना। लेकिन क्या हो गया, जब से ये OTT प्लेटफॉर्म आ गए तो उन्होंने क्या किया, लोगों को IP नेटवर्क प्रोवाइड कर दिया, पहली बात, जिसकी वजह से इनका जो है इंटरनेट मिलने की वजह से जो मेन काम हुआ करता था टेलीकॉम सम्पर्क सर्विस प्रोवाइडर्स का, यानी कि लोगों की बात करवाना, कॉलिंग सर्विस वगैरह, वो काम खत्म हो गया, कहाँ किसने जिम्मेदार ले लिए, व्हाट्सएप वगैरह जो वर्क प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सारा का सारा काम शिफ्ट कर दिया इनके ऊपर। दूसरी बात, केबल सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि पहले हम लोग को पता होता था कि अगर आपको देखना है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, तो ऐसी स्थिति में टीवी ही चलाना पड़ेगा, और चलाते हुए आपको वहीं देख सकते हो, ठीक है, वहीं भाई टीवी वालों की अपनी मर्जी, आपको कोई पढ़ाने वाला या एजुकेशन चैनल दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं वो मर्जी है, वो बात अलग है, बहुत सारे लोग डिस्कवरी देख के भी बहुत कुछ सीख लिया करते थे, ठीक है ना, लेकिन वो टीवी वालों की मर्जी क्या दिखाना चाह रहे हैं या नहीं, ठीक। लेकिन क्या हुआ, इन लोगों ने OTT प्लेटफॉर्म वालों ने सबको IP नेटवर्क प्रोवाइड करा, जिसकी वजह से इन्होंने इनके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं, साथ साथ केबल सर्विस प्रोवाइडर जो हैं, इन लोगों को कर दिया साइड, और इनका जो बेस था वो सारा का सारा बेस इन्होंने दूसरे प्लेटफॉर्म से अवेलेबल करवा दिया। जैसे कि अभी आप वीडियो सेशन अटेंड कर रहे हो, आपको मेरी आवाज भी सुनाई दे रही है, आप मुझे देख भी पा रहे हो, तो ये क्या, ये एक भाई वीडियो प्लेटफॉर्म है, वीडियो ऑडियो प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो यहां पर काम चल रहा है, हम लोग फिलहाल किसी टीवी के माध्यम से नहीं, किसी और चीज के माध्यम से नहीं, सिर्फ आईपी नेटवर्क से कनेक्टेड है। दूसरी बात क्या है, वही काम होता है भाई हमारे टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज के मामले में, हम लोग इंटरनेट से क्या करते हैं, आईपी जो हमारा नेटवर्क है लिंक करते हैं और बात कर लेते हैं, वीडियो कॉल्स कर लेते हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, फिलहाल दिक्कतें हो गई हैं और यहां पर विवाद खड़ा हो गया है OTT प्लेटफॉर्म्स और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में, ठीक है। क्या कह रहे हैं दुष्यंत कुमार, हेलो हेलो, गुड इवनिंग जूही भारती सिंह, वेरी गुड इवनिंग दुष्यंत कुमार, नेट न्यूट्रलिटी समझा दीजिए दोबारा। ओके, नेट न्यूट्रलिटी समझा देते हैं एक और बार। देखो भाई, नेट न्यूट्रलिटी यानी कि जो इंटरनेट है वो न्यूट्रल है, न्यूट्रल का मतलब है कि आपको तटस्थ रहना है, आपको भेदभाव नहीं करना। तो भेदभाव की स्थिति क्या है, भेदभाव की स्थिति यह कहती है कि आपने कोई खास काम करना है, मान लीजिए आपको अगर वीडियो देखनी है, जैसे अगर टेलीकॉम कंपनीज आपसे बोले कि अगर आप यूट्यूब पे कुछ भी देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 600 का खास रिचार्ज लेना पड़ेगा, और इस 600 रुपए के खास रिचार्ज से आप वीडियोस देख सकते हो, फिर चाहे आप YouTube पे देखो, चाहे किसी और प्लेटफॉर्म पे देखो, आपकी मर्जी है। वहीं आपको टेलीकॉम कंपनीज ये बोले कि अगर आपको WhatsApp यूज करना है, हाइक यूज करना है, या आपको Viber यूज करना है, Skype यूज करना है, तो आपके लिए इसके लिए जो रिचार्ज लेना है, उस रिचार्ज की जो सीमा है वो आपको लेना है 400 रुपए का। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है, ये दिखा रहा है कि आप नेट को लेकर के पार्शियल हो, यानी कि आप वीडियो सर्विस वगैरह के लिए ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हो और आप बाकी सर्विसेज के लिए कम पैसा चार्ज कर रहे हो। तो ये भेदभावपूर्ण नीति है, यहां पर नेट न्यूट्रलिटी कहता है कि भाई ये नीति नहीं चलनी है। कैसी नीति रहेगी, बराबर से नीति रहेगी, आपके मोबाइल फोन जितने भी एप्लीकेशन हैं, आपने जो डाटा पैक लिया है उसके तहत आप उन सभी एप्लीकेशंस को बढ़िया से एक्सेस कर सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं, बढ़िया से चलेगा, भेदभाव नहीं होगा। और ऐसा भी नहीं करेगी कंपनी कि किसी एप्लीकेशन को खोलने के लिए ज्यादा डाटा दे या किसी के लिए कम डाटा दे, किसी को सीमित रखे, किसी को ज्यादा ही एक्सपेंड डाटा दे दे वो ज्यादा यूज कर पाए, यानी किसी भी तरह से इंटरनेट का भेदभाव नहीं होगा, ना ही किसी भी सर्विस के मामले में, ना ही किसी एप्लीकेशन के मामले में, और ना ही किसी प्लेटफॉर्म के मामले में, यह कुछ भी नहीं होना चाहिए, यही नीति कहलाती है नेट न्यूट्रलिटी। अब आप कह रहे होंगे कि सर एक बात बताइए, यहां तो COIAI यानी कि सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है, इसने कहा है कि भाई जब तक यहाँ पे कह दिया है कि भाई टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए नेट न्यूट्रलिटी भी लागू मत करो, यानी कि अभी कहा है कि भाई टेलीकॉम जो कंपनीज है हमारी, इनको नेट न्यूट्रलिटी नहीं देना है, इसके अधीन नहीं लाना है। तो सर ये तो मना कर रहे हैं, लेकिन कायदे से ऐसा तो होना चाहिए, हमें हर चीज़ के लिए एक ही डाटा मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि आप लोगों के मन में यही ख्याल आएगा और आप सोचेंगे कि भाई जब मामला बराबर से रहेगा तो ही स्थिति ठीक है, वरना ठीक नहीं, ऐसा लगता है ना। लेकिन अभी स्थिति क्या है, यह कह रहे हैं कि भाई जो काम टेलीकॉम वालों का था वो काम
तो ओटीटी वाले खा गए, वो काम ओटीटी वाले को ले गया। लेकिन भाई टेलीकॉम वाले जो हैं ये रेगुलेशंस के तहत हैं, ओटीटी वाले बिना रेगुलेशन के काम कर रहे हैं, तो एक काम करो इनको भी रेगुलेशन में लाओ। जब यह भी रेगुलेशन में आ गए उसके बाद आपको नेट न्यूट्रलिटी करना है तो बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि आजकल जो भाई हम लोग अपने टेलीकॉम का यूज़ कर रहे हैं, यह सिम जो हमारी आजकल फ़ोन में लगी हुई है, यह आजकल सिर्फ हमें इंटरनेट प्रोवाइड करने का ही काम कर रही है, बाकी सब काम तो हम यार किसी और माध्यम से भी कर लेते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, ठीक है। तो इसीलिए यह बात है खासतौर पर नेट न्यूट्रलिटी की, भी कहा है COAI ने कि भी नेट न्यूट्रलिटी लागू नहीं करना, क्योंकि विवाद जो है वो दोनों ही जगह पर बना हुआ है, ओटीटी के बीच में भी और टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच में भी। इतना क्लियर है कहानी, इतना जान गए, और देखते हैं कहानी यहाँ पर क्या हो रही है आगे की, ठीक है भाई। इतना क्लियर है सभी लोग को, आगे का मामला जानते हैं, आगे अब क्या विवाद बना है, आगे की कहानी क्या है। ओटीटी प्लेटफॉर्म मैंने बता दिया था, ओटीटी प्लेटफॉर्म कहता है कि यह आपको एक आईपी नेटवर्क प्रोवाइड कर देगा, और जब आपको आईपी नेटवर्क मिल जाएगा तो इससे क्या करोगे आप, अपना सर्वर लिंक करके आप चाहे तो वीडियो कॉल कर सकते हैं, वॉइस कॉल कर सकते हैं, और साथ साथ वीडियो भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन्होंने क्या किया, जो भाई आपका टेलीकॉम है आपने इसकी सर्विसेज को खत्म कर दिया। यानी कि ढांचा किसने तैयार किया था, ढांचा तैयार करा टेलीकॉम सर्विसेज ने, आपने कर दिया साइट और आप अपने प्लेटफॉर्म पर वही सब चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी बात, केबल ऑपरेटर्स आपको प्रोवाइड करते थे कि भाई आप दृश्य देखोगे, आप मूवीज देखोगे, सीरियल्स देखोगे, अब वो कहानी भी खत्म हो गई है, क्योंकि भाई अब क्या हो गया, आप लोगों ने उसको भी साइड कर दिया और आपने बना दिया है यूट्यूब जैसा प्लेटफॉर्म, जहां पर सब चीजें वही चल रही है जो पहले टीवी पर चला करती थी। इवन यहां पर सिलेक्टिविटी ज्यादा है, आप लोग अपनी पसंद की चीजें देख सकते हैं, जैसे कि इवन अभी फिलहाल मुझे दिख रहे हैं कि भाई 9 लोग सेशन को अटेंड कर रहे हैं, तो भाई ये जो 9 लोग हैं ये लोग इंटरेस्टेड है फिलहाल क्लास को लेने के लिए, इस मामले को जानने के लिए, इसीलिए वो मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। अगर इनका भी फिलहाल मन कर जाए कि भाई इनको अभी फिलहाल कोई नया गाना सुनना है, या अरिजीत का इनको दिख जाए नोटिफिकेशन आ जाए कि हरी सिंह का या हनी सिंह का कोई नया गाना आ गया, वो अगर उसको क्लिक कर दे तो फिर इनका वो इंटरेस्ट है भाई, इनको वो देखना। तो सिलेक्टिविटी यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल रही है, आपको ऑप्शंस ज़्यादा मिल रहे हैं, तो ऑप्शंस की वजह से लोग प्रायोरिटी देते हैं यहाँ पर चीज़ों को पसंद करने की, जो कि आपको टेलीकॉम कंपनीज हो गई या फिर जो हमारे बाकी प्लेटफॉर्म से केबल टीवी है हमारा, ये हमें प्रोवाइड नहीं करते। तो यह खास बात है हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म की, आईपी नेटवर्क्स की। इतनी कहानी क्लियर है, आगे देखते हैं और क्या कह रहे हैं आगे। और ये कह रहे हैं कि भाई टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर वर्सेस ओटीटी का विवाद जो बना हुआ है वो बना हुआ है किसको लेकर के, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को लेकर बना हुआ है। यह बात मैंने शुरू में ही क्लियर कर दिया था, आपको कहा था कि इन दोनों का जो विवाद है उस विवाद में ओटीटी वालों को परेशानी नहीं हो रही है, जिसको परेशानी होती है भाई वो ही चिल्लाता है ना। मान लो अगर भाई किसी, दो लोग खड़े हुए हैं, एक के पैर पर गाड़ी चढ़ जाए तो भाई चिल्लाएगा तो वही दूसरा वाला है, वो तो नहीं चिल्लाने वाला ना, दर्द जिसको होगा दर्द वाला चिल जाएगा भाई। तो वही स्थिति यहाँ पर हो रही है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर भी सेम काम के लिए कर रहे हैं यहाँ पर इस्तेमाल, और ओटीटी वाले भी सेम ही काम कर रहे हैं, लेकिन चिल्ला कौन रहा है भाई, टीएसपी चिल्ला रहा है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर यहाँ चिल्ला रहा है, क्योंकि इसको दर्द हो रहा है, परेशानी हो रही है, क्योंकि भाई जो इसको पहले बेनिफिट मिलता था, जो उसको लाभ आता था, पहले प्रॉफिट सारा खत्म कर दिया है इसका, इसको नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसको इन्वेस्टमेंट का पैसा भी कई बार नहीं मिलता। इसीलिए हमने देखा कि बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज जो हैं वो बंद हो गई इस मामले में, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ मामला किसका है भाई, ओटीटी का है। तो भाई ये जो ओटीटी फॉर्म से ये फिलहाल थोड़ा टेंशन फ्री है, इनको पता है कि इनको लाभ मिल रहा है, तो दर्द वाले जिसको हो रहा है उसने क्या कहा, वो कह रहा है यहां पर कि भाई ये जो ओटीटी सर्विस प्रोवाइडर्स है ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्होंने जो भी चीज बनाई वो सभी चीज इन्होंने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के ढांचे पर बनाई, यानी कि इनका जो भी बेस था आपने उसी बेस का इस्तेमाल किया अपनी चीजें तैयार करने के लिए, ठीक है। जैसे कि पहले क्या हुआ करता था, हम लोग टेलीकॉम सर्विस सिम यूज करते थे, किस लिए, बात करने के लिए और मैसेज करने के लिए। अब हम खास तौर पर सिम पे डिपेंड नहीं है, अब हम क्या करते हैं कि अगर आपके फोन में सिम नहीं है तो भी आप ये काम कर सकते हो भाई, कैसे कर सकते हो, व्हाट्सएप के माध्यम से कर सकते हो, आप कॉल भी कर सकते हो वहां से, आप वहां से वीडियो कॉल भी कर सकते हो, आप वहां से मैसेज भी भेज सकते हो। वहीं दूसरी बात क्या है कि अगर आपके मोबाइल फोन में सिम नहीं भी है, यानी कि पहले क्या था कि आप लोग घर में टीवी हुआ करता था और केबल लगा करता था तब हम लोग देख पाते थे कोई चीज, अब क्या है यार टीवी हो ना हो किसको फर्क पड़ता है भाई, इंटरनेट होना चाहिए, वाईफाई होना चाहिए, और सीधा भाई यूट्यूब खोलो, आपके पास कोई और एप्लीकेशन है सीधा वो खोलो, हॉटस्टार अमेजन प्राइम वगैरह इतनी चीज अवेलेबल है भाई, कई सब जगह पर हर एक चीज अवेलेबल है, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को देख सकते हैं। इतना क्लियर है कहानी, ओके। तो इसी वजह से क्या हो गया, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनके ढांचे पे सारा का सारा काम जो है वो काम ले लिया है ओटीटी सर्विस प्रोवाइडर्स ने, इसके साथ ही जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको अपने ऊपर खतरा महसूस होने लगा है कि भाई कहीं ऐसा ना हो ये बचा कुचा काम जो है वो भी निपटा दे। पूरे मार्केट में अब सिर्फ 3 टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बची हैं, जिनमें से एक का नाम है एयरटेल, दूसरा जियो और तीसरा VI, ऐसा ना हो कि इनमें से एक दो और निपट जाए, ठीक। तो यह दिक्कतें भी नहीं आनी चाहिए, इसको लेकर के भी व्यवस्था को जो है वो कोर्ट में जा रहा है, सरकार के सामने आ रहा है, अलग अलग एप्लीकेशन लग रही है और कह रहे हैं कि मामले को निपटा दो वरना दिक्कतें बढ़ जाएंगी, ठीक। अब क्या कह रहे हैं आगे की चीजों को समझते हैं।
ठीक। तो अगली चीज़ ये कहती है, अब तक हमने समझ लिया है कि भाई विवाद क्या है, दिक्कतें कहाँ हो रही है, फिर हमने जान लिया कि खतरा किसको है, क्या परेशानी। अब हम जानते हैं रेगुलेशंस क्या होती है। मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई यह जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, यह टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स बहुत सारे चरणों को पार करते हैं, तब जा करके यह वो काम कर पाते हैं जो काम ये लोग आज कर रहे हैं, ठीक है। यानी जैसे कि कोई आपकी सिम है, आपको कॉल वगैरह करना है उसके माध्यम से, तो उनको बहुत सारे चरणों को पार करना पड़ता है। जब ये लेवल्स पार करके निकल जाते हैं तब जाकर यह इस अवस्था में पहुंचते हैं भाई। तो क्या हुआ यहाँ पर, इन्होंने तो ओटीटी वालों ने कोई भी ऐसा लेवल पार नहीं किया और दिक्कतों में फंसे रहे। एक कहानी बताता हूँ, पुरानी कहानी थी और मैंने सुना था, शक्तिमान तो यार तुम लोगों ने देखा होगा, मैं उम्मीद रखता हूँ, ठीक है ना। मैंने भी बहुत देखा बचपन में, तो नहीं पता होता था कि भाई कैसे ब्रॉडकास्टिंग हो रही है या कैसे चीज़ें चल रही हैं या पीछे की कहानी क्या है, नहीं पता होता था। बस उस समय दो चीज़ें पता हुआ करती थी कि हाँ भाई ये सामने जो लगा हुआ है ये टीवी है और इस पे आने वाला शक्तिमान, ठीक है ना, बस काम खत्म। हमें ये भी पता होता था कि यार वो उड़ कैसे जाता है, ये जो घूमता है ये कैसे चलता है, ये भी नहीं पता होता था, ठीक। अब क्या था कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मैंने भाई जो हमारे मुकेश खन्ना साहब है भीष्म पितामह, उनकी एक वीडियो देखी। तो उनकी वीडियो में उन्होंने शक्तिमान को लेकर के थोड़े से राज बताए, क्या राज थे, तो पता चला उसके अंदर कि पहले सिर्फ डीडी नेशनल हुआ करता था और डीडी नेशनल उसके ऊपर एपिसोड दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा चार्ज लिया करता था और हर साल जो है वो फीस कई गुना बढ़ जाया करती थी, जिस वजह से इन द लास्ट उन्होंने आकर के जब उनको लगा कि भाई अब अमाउंट पे करने वाला बहुत ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा अमाउंट पे नहीं किया जा सकता, तब उन्होंने बताया कि हम इसको बंद कर रहे हैं। तो यानी कि एक पुरानी स्थिति थी भाई, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था, रेगुलेशन बहुत सारे हुआ करते थे और चीज़ों को पार करने के बाद ही आगे का काम चलता था, वरना नहीं चला करता था, यह थी खास बात। अब क्या है, कुछ भी ऐसा नहीं है भाई। अब जैसे कि मान लीजिए मैं आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, कुछ खास काम किया नहीं किया। आप सभी जानते हैं कि YouTube पे इन सभी चीज़ों को प्रोवाइड करना बहुत ज़्यादा ईजी है। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके पास कुछ ऐसी चीज़ है जिसको आप बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं और लोग इंटरेस्टेड भी होंगे देखने के लिए, तो सभी लोग ये काम आजकल कर रहे हैं जैसा कि हम लोग देख पाते हैं। लेकिन पहले रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा थे और अभी भी बहुत सारे रेगुलेशंस हैं जो बाकी चीज़ों में बने हुए हैं, ठीक। तो क्या क्या रेगुलेशंस है, इन रेगुलेशंस को समझ लेते हैं एक बार। पहला रेगुलेशन है भाई लाइसेंसिंग का। आप जब इस फील्ड में आते हैं तो आपको लाइसेंस वगैरह लेना पड़ता है, आप अभी यह काम कर सकते हैं वरना यह काम नहीं कर सकते। कैसे लाइसेंस है, सेवा गुणवत्ता, यानी कि आपको पहले ऐसा लाइसेंस लेना है जिसको आपको प्रूफ करना है कि आप अच्छी क्वालिटी में लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करोगे। दूसरी बात, खातों का ऑडिट, ठीक है ना। आप जितने भी अकाउंट्स वगैरह तैयार करेंगे लोगों को सर्विस देने के लिए, आपको उसका ऑडिट वगैरह भी देखना पड़ेगा भाई, ठीक है, इसके बिना काम नहीं चलेगा, तो यहाँ भी आपको नजर रखनी है। अगली बात, स्पेक्ट्रम चाहिए पूरा का पूरा, क्योंकि भाई इतना बड़ा तामझाम इकट्ठा करना है, चलाना है, लोगों तक भी पहुँचानी है चीज़ें, तो कैसे संभव है, बहुत इजीली तो चाहिए, पूरा पूरा स्पेक्ट्रम चाहिए तब जाकर के काम चलेगा, तो आपको यहाँ भी इन्वेस्ट करना है। अगली बात, आजकल चल रहा है भाई GST, आप टैक्स नहीं दोगे तो आपको कौन टिकने देगा मार्केट में, कोई भी टिकने नहीं देगा, तो टैक्स होना यहाँ पर जरूरी है, टैक्सेशन की व्यवस्था को भी आपको पार करना पड़ेगा। वहीं अगली बात है भाई लाइसेंस की, तो यहाँ पर लाइसेंस भी देना पड़ेगा भाई आप लोगों को, ठीक है ना, लाइसेंस लेना पड़ेगा आप लोगों को। जब आप लाइसेंस ले लोगे आप ऑफिशियली यहाँ पर सर्टिफाइड हो जाएंगे कि आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, चाहे वो टेलीकॉम के मामले में हो चाहे वो केबल के मामले में हो, तब जाकर के ही आप चीज़ों को प्रोवाइड कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते भाई। अगली बात, कानून अवरोधक और निगरानी प्रणाली। तो भाई जब आप ये सभी चीज़ें कर लोगे, यानी कि इतना चरणों को पार कर लिया, इतनी सारी चीज़ें कर ली, लाइसेंस ले लिया है, दिखा दिया गुणवत्ता भी देंगे, दिखा दिया स्पेक्ट्रम भी है, लाइसेंस ले लिया, टैक्स भी भर रहे हैं, उस सब के बावजूद एक बड़ी समस्या है, वो बड़ी समस्या होती है कानून अवरोधक और निगरानी प्रणाली। यानी कि सब कुछ करने के बावजूद तुम्हारे कॉन्टेंट पर नज़र रखी जाएगी। अभी टीवी देखते हो क्या, तो टीवी देखते होंगे तो वहाँ पर एक ना यार लाइन लिखी हुई आती है बीच बीच में, जिसमें लिखा होता है कि अगर आपको इस चैनल के ऊपर या इस कार्यक्रम के अंदर दिखाए गए किसी भी दृश्य पे आपत्ति है या आपको लगता है कि कुछ गलत दिखाया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप एक फ़ोन नंबर लिखा हुआ आता है, कहते हैं कि आप इस फ़ोन नंबर पे जा करके कांटेक्ट कर सकते हैं और कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये मामला कौन सा, ये वाला मामला है भाई, इनको बहुत सारी तरह से रेगुलेशन में रहना पड़ता है और रेगुलेशन में रहते हुए ही बहुत सारी चीज़ों को दिखा सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये सभी काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो सब कुछ लेने के बावजूद आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा, निगरानी में रहना पड़ेगा, जो फिलहाल इन OTT प्लेटफॉर्म पर नहीं होता है भाई, ठीक है ना। अगली बात क्या कह रहे हैं, अगली बात कह रहे हैं कि भाई आगे की चीज़ें अब और थोड़ी समझते हैं, आगे कुछ और चीज़ें भी दी गई हैं, वो क्या चीज़ें दी गई हैं जरा इनको जान लेते हैं। तो आगे की जो और चीज़ें हैं उनमें पता लगता है कि मार्केट में एक और टर्म है, वो टर्म है अनसॉलिसिटेटेड कॉमर्शियल कम्युनिकेशन रेगुलेशन, ठीक है भाई। यह चीज़ किसके लिए, यह हमारे इन्हीं सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए व्यवस्था की गई, यानी कि रेगुलेशन समझ रहे हैं हम लोग कि कैसे कैसे रेगुलेशन किए गए। पहला रेगुलेशन समझ लिया कि जहाँ पर कि भाई कंपनीज़ को जो भी है, चाहे केबल कंपनी है चाहे टेलीकम्युनिकेशन वाली कंपनी है, इन लोगों को बहुत सारे स्टेप्स पार करने पड़ेंगे तभी आएंगे, उसके बाद यह कानून अवरोधक और निगरानी प्रणाली में फंस जाएंगे और इसके तहत इनको काम करना पड़ेगा, आपको रेगुलेट किया जाएगा और देखा जाएगा कि आप कोई गलत कंटेंट शो नहीं कर रहे हैं, ये सभी चीज़ें भी देखी जाती हैं।
ठीक, यह इसका पहली साइड है। फिर इसकी दूसरी साइड भी है भाई, अब दूसरी साइड जानो। दूसरी साइड कहती है आपको अनसोलिसिटेटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन के बारे में, यानी कि आप क्या करोगे, आपको रेगुलेट किया गया है किस लिए, कि आप अनअपेक्षित वाणिज्यिक संचार नहीं करेंगे, यानी कि आप अपने इस यूजर्स जो आपके यूजर्स हैं आप अपने यूजर्स को गलत चीज़ें प्रोवाइड नहीं करोगे, आप अपने यूजर्स को ऐसी चीज़ें नहीं प्रोवाइड करोगे जो वो नहीं चाहते। मान लो कि मैं कुछ नहीं चाहता हूँ, मुझे नहीं चाहिए सर्विसेज में, मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे ऐड ना दिखाई दे, या मुझे ये नहीं चाहिए कि मुझे फालतू, जैसे कि एक समय था यार मैं कहता था मुझे पोस्टपेड नहीं चाहिए, ठीक है, तो ज़बरदस्ती मुझे पोस्टपेड नहीं दिया जाता था, या ज़बरदस्ती मेरा जो बिल है वो लिमिट से ज़्यादा नहीं बनाया जा सकता था, ये भी कंडीशंस थी, ठीक है। तो क्या सिस्टम है, पूरा सिस्टम यहाँ पर यह है अनसोलिसिटेटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन रेगुलेशन, आपकी यानी कि यहां पर इन सभी ऑपरेटर्स को लिए बोला जाता है कि आप अनचाही चीजें नहीं दिखाएंगे लोगों को, ठीक है। ये किसके लिए है, ये है हमारे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या जो हमारे केबल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनके लिए है भाई, ठीक है ना। लेकिन भाई अभी क्या हो रहा है, अभी जो हम बाकी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं वहाँ में बहुत सारी अनचाही चीज़ें मिलती हैं, यानी कि हम लोग यार एप्लीकेशन भी यूज़ करते हैं तो बीच बीच में बड़ी यार खिलसते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है ना, खिलसनसी होती है। क्यों? क्योंकि भाई कोई भी ऐप खोलो, ऐप खोलते ही सामने ऐड, आगे चलो कुछ काम किया फिर दूसरी ऐड, उसके बाद फिर आगे गए फिर तीसरी ऐड आ गई, कुछ काम किया फिर चौथी ऐड आ गई, बार बार ऐड्स आती रहती हैं। अब यह जो ऐड्स बार बार आती हैं, यह ऐड्स भी परेशानी सब है, लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, तो अनवांटेड कंटेंट को आपके लिए आपके इन जगहों पर शो किया जाता है। क्यों शो किया जाता है? क्योंकि इनसे जो ऐप्स हैं वो बाकी चीज़ों का प्रमोशन करते हैं, और प्रमोशन करने का इनको पैसा भी मिलता है, यह चीज़ होती है यहाँ पर। क्लियर है इतना? और क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई इन सभी चीज़ों के लिए, यानी कि पहले ऐसा मामला हुआ करता था जिसके तहत अनअपेक्षित वाणिज्यिक संचार किया था, यानी ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें जो लोग नहीं चाहते वो दिखाई जाती थी, तो दिखाने की वजह से भाई हमारी भारत सरकार ने फैसला किया कि हम एक डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना करेंगे। यह क्या है, यह जो बॉडी है, यह बॉडी एक नोडल एजेंसी होगी जो UCC की शिकायत, यानी कि जो लोग भी लोग कंप्लेंट कर रहे हैं इस क्षेत्र के अंदर, कह रहे हैं कि हमें भाई बिना मतलब की चीज़ें दिखाई जाती है, हम लोग नहीं चाहते फिर भी हमें सर्विसेज दे देते हैं, तो ऐसी शिकायतें जो भी आई हैं उन शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। साथ ही वित्तीय धोखाधड़ी, कई बार क्या होता है कंपनी वाले कहते हैं कि आप ये वाला पैक ले लीजिए, आप ये चीज़ इस्तेमाल कीजिए, इसमें आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, आपको इसमें इतना ना लाभ होगा, लेकिन क्या होता है बंदे क्या करते हैं, लोग जो उसमें बहकावे में आ जाते हैं या बात मान लेते हैं, जब इस्तेमाल करते हैं तो पता लगता है कि यार इसमें तो जरूरत से बहुत कम मिल रहा है, जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो तो मिल ही नहीं रही है, लेकिन क्या हो गया, वित्तीय धोखाधड़ी बन गई, यानी कि आपसे पैसा ज़्यादा ले लिया और आपको वो सभी सर्विसेज जो मिलनी चाहिए थी वो सर्विसेज आप लोग को नहीं मिली है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसे भी जो केस बनेंगे, यानी कि UCC की जो कंप्लेंट्स आ रही हैं और साथ साथ में जो भी भाई यहाँ पर फाइनेंशियल आपको परेशानी आ रही है, धोखाधड़ी हो रही है, आपका चीट किया जा रहा है, उसके लिए एक बॉडी बनाने के लिए सरकार ने बोला, वो बॉडी कहलाई डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट। अब ये क्या करेगी, ये आपकी शिकायतों को भी सुनेगी, जो भी धोखाधड़ी के मामले हैं उसका भी निपटारा यही जो वो यूनिट बनाई गई है यही यूनिट करेगी। ठीक है भाई, इतना बात क्लियर हो गया, जान गए समझ गए, ओके। तो यहाँ तक अगर मामला क्लियर है तो कुछ एक और बातें थोड़ी सी रह गई हैं, बहुत सिंपल सी, इनको समझते जानते हुए हम लोग फिर आगे बढ़ते चलते हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत के अंदर एक भाई बॉडी है, बॉडी का नाम है भाई ट्राई। क्या नाम है? ट्राई नाम है, फुल फॉर्म कहती है इसके टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि मतलब समझ जाओ भाई भारत में जो भी टेलीकम्युनिकेशन को लेकर के काम होंगे उन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने का काम किसके हाथ में है? ट्राई के हाथ में। लेकिन भाई यह ट्राई सभी चीज़ों को रेगुलेट कर सकती है, यानी कि आपके टीवी पे जो दिखाया जा रहा है उसको रेगुलेट कर सकती है, आप फोन पे आपको जो सर्विस प्रोवाइडर आपकी कंपनी जो चाहे एयरटेल है, वोडाफोन है या जियो है, वो आपको क्या क्या सर्विसेज दे रही हैं, अच्छी दे रही हैं, खराब दे रही हैं, इसके ऊपर नज़र रख सकती है। लेकिन आपका व्हाट्सएप जो बाकी और OTT प्लेटफॉर्म्स हैं ये आपको कैसी सर्विसेज दे रहे हैं इसको लेकर के कोई भी खास रेगुलेशन नहीं है भाई। इसी बीच में क्या है, तो इसने थोड़ा सा मामला जो था वो भाई कोर्ट के सामने और गवर्नमेंट को लेकर के कहा था, तो वो मामला भाई जो था वो मामला यह था कि भाई इन्होंने क्या किया हो, इन्होंने OTT के साथ में समझौता किया हुआ है, यानी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई OTT प्लेटफॉर्म के साथ आपने समझौता किया हुआ है और यह जो समझौता इसके तहत आपने बोला हुआ है OTT प्लेटफॉर्म को कि इसके ऊपर रेगुलेशंस नहीं लगेंगे, यहाँ तक कि इसके ऊपर भाई UCC को लेकर के रेगुलेशंस भी नहीं है, अनवांटेड कमर्शियल कम्युनिकेशन को लेकर के भी, ठीक। तो भाई अब जब यह चीज़ें नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या था, मामला था, बहुत सारी याचिकाएं लगी भाई, लोगों ने पिटीशन लगाई कि इसको रेगुलेट करो भाई, ये रेगुलेट नहीं हो रहा है, ये तो मनचाही चीज़ें दिखा रहा है और मनचाही चीज़ें ऐसे नहीं दिखानी चाहिए, तो गलत है। तो जब बहुत सारी चीज़ें लगी तो ट्राई को यहाँ बीच में आना पड़ा, इसने भाई फिर कोर्ट के सामने यह कहा कि अभी हम OTT प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट नहीं कर सकते,
क्यों रेगुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनको रेगुलेशन को लेकर के इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी कानून नहीं है। पहले हमें थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल जो हमारा कोर्ट है वो कुछ इसके लिए कानून बनाता है, कुछ नियम करता है या नहीं करता। पहले हमें वहाँ देखने की ज़रूरत है, इसी वजह से अभी हम नीचे कोई खासा काम नहीं कर सकते। आपने एक स्थिति भी हाल फिलहाल में देख ही लिया भाई, वो भी एक OTT प्लेटफॉर्म को लेकर की थी, यानी कि फेसबुक को लेकर की थी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। क्या हुआ इसके अंदर कि भाई फेसबुक को भाई न्यूज़ को लेकर के कहा था ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर फेसबुक जो है मनमानी दिखा रहा है, उसने सारे के सारे न्यूज़ पेजेस जो है इसको ब्लॉक कर दिया। ये न्यूज़ मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ पहले, आपको मैं बता दिया, तो आप इसको यहाँ पर भी लिंक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो ये OTT प्लेटफॉर्म है इनकी मनमानी चल रही है। फिलहाल व्हाट्सएप को लेकर के भी विवाद चल रहा है, व्हाट्सएप भी OTT प्लेटफॉर्म है, तो ये भी कॉन्ट्रोवर्सी के अंदर फंसा हुआ है, तो ये भी दिक्कत वाली बात है। लेकिन क्या कह रही है ट्राई कह रही है कि भाई अभी हम इनको नहीं कर सकते कंट्रोल, क्योंकि दिक्कतें हैं, इंटरनेशनल लॉ नहीं है इसको लेकर के, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको छेड़खानी नहीं कर सकते, कुछ ज़्यादा नहीं कह सकते इसके साथ में। ठीक है भाई, ओके। आगे की चीज़ें क्या है भाई, आगे की चीज़ें हैं नेट न्यूट्रलिटी लिखा हुआ है, समझा चुका हूँ पहले। क्या करना है, इंटरनेट सामग्री या जो सेवाएं हैं वो भेदभाव नहीं होना चाहिए उनमें, ठीक है। आप जो भी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कस्टमर्स को, बिल्कुल भेदभाव के बिना प्रोवाइड करेंगे, सब एक चीज़ नॉर्मल होनी चाहिए, आप कुछ बढ़िया चलना चाहिए, और अलग अलग चीज़ों के लिए आप अलग अलग अमाउंट नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। देखो पहले क्या हुआ करता था कि भाई हम देखते थे कि आप कह रहे हो कि भाई अगर वॉइस कॉल करनी है तो 2 रुपया 2 पैसा पर सेकेंड का चार्ज लगेगा, आपको भाई SMS भेजना है तो ऐसी कंडीशन में आपके लिए 1 रुपया चार्ज लगेगा, और अगर हमने बड़ी कॉल कर दी यानी कि आपने अगर दूसरे स्टेट में कॉल किया तो पैसा और ज्यादा लगेगा, और कहीं से गलती से आपने AISD कॉल मिला दिया तो फिर तो बैलेंस खत्म, भाई लोग ज्यादा डलवाते ही नहीं थे उस समय, ऐसा काम हुआ करता था ना। तो यहां पर क्या व्यवस्था है, यह व्यवस्था तो उन्होंने अपनी मर्जी से कर रखी थी, लेकिन जो OTT प्लेटफॉर्म से नेट न्यूट्रलिटी है, इंटरनेट की न्यूट्रलिटी जो है, इसको लेकर कहा गया कि आप किसी भी एप्लीकेशन को लेकर के या किसी भी सर्विस को, चाहे वो वीडियो की हो, कॉलिंग की हो, मैसेजेस की हो, किसी और चीज की हो, आप सबको बराबर से डाटा प्रोवाइड करोगे। कोई भी इंसान कुछ भी एप्लीकेशन चलाना चाहता है तो आप उसका भेदभाव नहीं करोगे। जैसे कि फिलहाल अभी हम लोग यार यूज कर रहे हैं ये एप्लीकेशन, ठीक है ना। अब यहाँ पर भाई ये लोग रेगुलेशन लगा देते हैं कि भाई ये है इन चीज़ों को, यानी ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर रेगुलेट रखेंगे, ज्यादा डाटा नहीं जाने देंगे, तो हमें दिक्कतें आएंगी फिर काम करने में। जैसे कि अभी आप देखो इस जो आपकी स्क्रीन चल रही है, आपके नीचे को यहाँ पे लोगो बना हुआ आ रहा है, कैमरा फाई लिखा हुआ होगा यहाँ पर, तो भाई अगर ये फैसला कर ले कैमरा फाई को ज्यादा डाटा नहीं देना, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई, फिर तो हमने ऐसे सेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर दूसरा हमें कोई और प्लेटफॉर्म देखना पड़ेगा जिस पर सभी चीज़ें कंफर्टेबली चले। तो यानी कि यह चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट ने अभी नेट न्यूट्रलिटी के मना करा है। अभी क्या है कि भाई अभी चलाओ जैसा चल रहा है काम, आगे आप फिर सोचा जाएगा बाकी और चीज़ों के लिए, और नेट न्यूट्रलिटी के लिए भी कदम उठाया जाएगा। लेकिन मतलब क्या होता है, इंटरनेट सर्विसेज जो है आपका जो भी मटेरियल है क्या होगा, वो अभी यहाँ पर बिना किसी भेदभाव के चलेगा, ठीक है। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ना ही सेवाओं के साथ, ना ही सामग्रियों के साथ। और इसी बीच भाई ट्राई ने क्या किया था, ट्राई ने 2016 में एक कानून बनाया था, एक एक्ट पारित किया था, वो एक्ट था इसका रेगुलेशन को लेकर के, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ फॉर डाटा सर्विस रेगुलेशन 2016। बात समझ गए पूरी, 2016 में बना था यह रेगुलेशन। और इस वाले रेगुलेशन में क्या कहा गया था कि भाई आप इंटरनेट डाटा सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग टैरिफ प्लान नहीं रखोगे, इसकी मना करता है, ये कहता है कि आप अलग अलग टैरिफ प्लान नहीं रखोगे डाटा के लिए। यह काम 2016 में ट्राई ने किया था। इसी वजह से आप लोगों को क्या देखने को मिलता है फोन में, कि आपके मोबाइल फोन में आपकी कंपनी आपसे यह तो कह सकती है कि हम भाई 500 MB के लिए अलग चार्ज करेंगे और 1 GB के लिए अलग चार्ज करेंगे, पर वो अलग अलग एप्लीकेशन के हिसाब से अलग अलग प्लान नहीं बना सकता, इसकी उसको पावर नहीं दी गई है, ठीक है भाई। तो आपको सिर्फ एक ही प्लान मिलेगा, और आप चाहेंगे तो उस एक प्लान के तहत उन सभी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं जो आप यूज़ करना चाहें। वो बात हो सकती है कि आप वीडियो यूज़ कर रहे हैं तो उसमें डाटा ज़्यादा लगे, हो सकता है कि आप SMS यूज़ कर रहे हैं या मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर डाटा कम लगे, ये कंडीशन हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि भाई आपको अगर YouTube यूज़ करना तो उसके लिए अलग रिचार्ज करवाओ, अगर WhatsApp यूज़ करना है तो अलग रिचार्ज करवाओ, ये कंडीशन यहाँ पर लागू नहीं किया जाता, ओके। तो यह कंडीशन कहाँ से है, ये कंडीशन आ रखी है भाई इस प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ्स फॉर डाटा सर्विस रेगुलेशन 2016 के तहत यह सभी व्यवस्था की गई है जनता जनार्दन के लिए, ताकि जनता जनार्दन को परेशान नहीं हो, ठीक है ना। अभी आजकल क्या होगा यार, आजकल आप जिसके पास देखो, चाहे वो एक रिक्शा वाला है, चाहे वो एक मोची है, ठीक है, यानी कि ये जो हमारे समाज के पिछले वर्ग होते हैं, जो निचले वर्ग होते हैं, आजकल इन सबके पास भी स्मार्टफोन है भाई, सब लोग यूज़ कर रहे हैं स्मार्टफोन बढ़िया से, क्योंकि इंटरनेट फिलहाल इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा सस्ता, सब लोग चला रहे हैं। पर एक टाइम यह भी हुआ करता था भाई, जब 250-250 रुपये में ना 1 GB इंटरनेट आता था पूरे महीने के लिए, पर डे के लिए नहीं कह रहा, पूरे महीने के लिए आया करता था, एक समय यह भी हुआ करता था। आजकल तो भाई लोग ना कंपटीशन करते हैं कि रात को जब 12 बजेंगे उससे पहले हमारा 2 GB इंटरनेट खत्म हो जाना चाहिए किसी भी कीमत पर, वरना सोना नहीं है, सोना नहीं है कुछ भी हो जाए। तो लोगों ने आजकल ये वचनबद्धता भी कर रखी है, और ना पूर्ति से टाइम पे हुआ करता था कि लोग एक एक पूरे पूरे महीने भाई 1 GB डाटा को खसेड़ते थे धीरे 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 धीरे, ठीक है। तो उस समय वीडियो का प्रचलन नहीं रहा करता था।
इतनी कहानी समझ गए हैं, ये रेगुलेशन एक्ट समझ में आ गया क्या कहता है, जान लिया है, तो आगे समझते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं बाकी चीज़ें तो हो गई, यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई सेवाओं के लिए भेदभाव शुल्क नहीं देना। ओके, अब अगली बात क्या आ रही है, अगली बात देखिए एक बात और है, वो यह है भाई कि भाई टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं अपना। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अब से 10 साल पहले क्या था, सिर्फ सिम थी, ये एप्लीकेशंस नहीं हुआ करती थी, ठीक है ना। तो उस समय इन्होंने क्या किया, इस समय इन लोगों ने पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था अपने सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। अब क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर तो इनका है, इन्हीं का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं OTT वाले, और OTT वाले इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं, इनको पेमेंट नहीं देते कुछ भी। यानी कि भाई इंटरनेट कौन दे रहा है, इंटरनेट दे रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन वाले, लेकिन लाभ को इसको मिल रहा है, लाभ मिल रहा है OTT वालों को। अब यहां पर ये जो OTT वाले हैं, यह लाभ भी पूरा का पूरा हड़पते हैं भाई, ये पूछते भी नहीं टेलीकॉम वालों को कि हाँ थोड़ा बहुत शेयर चाहिए नहीं चाहिए, ये भी चीज नहीं होती है। तो क्या होता है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर घाटे में जा रहे हैं, OTT वाले मजे ले रहे हैं, उठते जा रहे हैं, तो इसी वजह से यहां विवाद भी खड़ा हो गया है। वहीं इसी बीच टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, कई बार बातचीत चली तो उनका कहना यह था कि भाई OTT प्लेटफॉर्म्स के अंदर कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिनके लिए हाई बैंडविड्थ चाहिए होता है, और हाई बैंडविड्थ करवाने के लिए हमें स्पेशल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और स्पेशल इन्वेस्टमेंट के चक्कर में हम लोग यह चाहते हैं कि ऐसी व्यवस्था हो जिन सिस्टम के लिए, जिन एप्लीकेशंस के लिए उच्च बैंडविड्थ चाहिए, हम उच्च बैंडविड्थ वाले सिस्टम के लिए थोड़ा सा हाई डाटा चार्ज करें। ऐसा इन लोगों का कहना था, यह कहते थे कि भाई जिनमें हाई बैंडविड्थ लग रहे हैं उनमें हमें ज़्यादा पैसे चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यह खासतौर पर अप्लाई होता है वीडियो के लिए, मान लीजिए कि YouTube के लिए चल रहा है मामला, ठीक है, तो आपको बोला जाएगा कि भाई अगर YouTube चलाना है तो भाई आपको ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो इसको लेकर गवर्नमेंट अगेंस्ट थी, गवर्नमेंट ने कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, आप बेशक हाई बैंडविड्थ लगाइए, स्पेशल इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन आप ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करनी है, आप इसलिए ये सभी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आपको अगर कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करनी है, आपको इस मार्केट में रहना है, तो आपको इस नीति का पालन करना पड़ेगा, इस रेगुलेशन के तहत भी रहना पड़ेगा, ठीक है, अदरवाइज आप यह बाजार छोड़ करके भी जा सकते हैं। तो इसीलिए आज तक हम लोग को भेदभावपूर्ण ऐसी नीति नहीं देखने में मिलती है। अभी फिलहाल मामला ठीक चल रहा है, कुछ कुछ जगहों पर गवर्नमेंट जो हमारी कंपनीज है वो आजकल तो यार स्पेशल ऑफर दे रही है, किसी टाइम पे ये भी नहीं मिला करता, आजकल तो कहती है भाई के फ्री में चलाओ, मेरी वोडाफोन की एक सिम है यार, VI वाली सिम है, उसके ऊपर ना 10-12 दिन निकलते होंगे, फिर कंपनी ऐसा समझ कर देती है कि आपको 7 दिनों के लिए फ्री 1 GB डाटा दिया जाता है, पर हम करेंगे क्या यार, वाईफाई चल रहा है, जरूरत ही नहीं पड़ती इन सभी चीज़ों की। और मुझे लगता है कि यार वो लोग ना देते भी इसीलिए, उनको पता है कि यार दे तो रहे हैं, बंदा ये तो कहेगा कि कंपनी ऑफर दे रही है, कंपनी पूछ रही है, और इस्तेमाल भी नहीं होगा, सारा का सारा बच भी जाएगा, ऐसा मुझे लगता है कि यार बार बार तभी दे देते हैं। बाकी लोग जो मेरे कॉन्टैक्ट में, हमने कई लोगों से पूछा, सब बना करते थे, कहते कि यार हमें तो मिलती ही नहीं है, आपको ही मिलते, तो फिर मुझे लगा कि भाई मैं इस्तेमाल नहीं करता, इसीलिए देते हैं लोग, ठीक है ना। तो हाई बैंडविड्थ वाली कंडीशन यहाँ पर आती है, जिसके लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और यहाँ पर ये लोग क्या कहते हैं कि हमें उसके लिए थोड़ा हाई चाहिए, पर इन्होंने कहा कि आपको हाई भी चाहिए तो भी आप एक परमानेंट फिक्स रखेंगे, आप अलग अलग नहीं बनाएंगे। इतना क्लियर है सभी लोग को। और फिलहाल एक विवाद जो है वो बना हुआ है भाई, OTT का जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसकी पार्टनरशिप में, क्योंकि वो सारा का सारा रेवेन्यू अकेले ही खाते हैं और बाकी लोग शेयर नहीं करते, जबकि भाई हकदार तो हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो आप इन्हीं का ही यूज़ कर रहे हैं, तो इन पर शेयर बनना चाहिए, पर नहीं बनता, ठीक है। तो बाकी हमारे देश के अंदर भाई COA आई है एक फिलहाल, ठीक है ना, जिसको ले बता चुका हूँ भाई, सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। इसने कुछ चीज़ें और देखी हुई हैं, ये कुछ चीज़ें और बताया, कहता है कि भाई यह जो व्यवस्था है, हम चाहते हैं फिलहाल अभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर जो हैं और जो OTT वाले हैं, इनके बीच में असमानताएं और ज़्यादा ना बढ़ें, जैसे असमानता फिलहाल बनी हुई है, हम चाहते हैं कि स्थिति रहे, और OTT को लेकर के गवर्नमेंट्स को लाइसेंस वगैरह जो भी लेना चाहते हैं वो देखते हैं कब लाते हैं, इसके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए, ज़रूरत है, और जब तक व्यवस्था नहीं आती तो भाई असमानता ना बढ़ाओ, यह बात यहीं कही थी। तो इससे कुछ और पॉइंट्स थे वो बातें यहाँ पर कह रहे हैं, और नेट न्यूट्रलिटी अभी कह रहे हैं साथ साथ कि भाई अभी फिलहाल की स्थिति ऐसी है कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, यह टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स अभी यहाँ नुकसान झेल रहे हैं, इनको परेशानी हो रही है, इनको यहाँ दिक्कतें हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में अभी फिलहाल गवर्नमेंट इतना कर दे, इनके ऊपर थोड़ा सा रहम करे, और रहम करते हुए इनको लेकर के अभी इनके ऊपर या तो नेट न्यूट्रलिटी हो गया या बाकी और जो भी कुछ रेगुलेशंस नए लगाने के लिए गवर्नमेंट सोचती है, वो रेगुलेशन ना लगाए, वरना कम्युनिकेशन वाले दबके मर जाएंगे भाई, आप इन्हीं को रेगुलेट करते रहोगे। तो कह रहे हैं कि फिलहाल आप ध्यान दो थोड़ा सा OTT के ऊपर, कैसे इसको रेगुलेट कर सकते हो, कौन कौन से रेगुलेशंस लग सकते हैं, और साथ साथ में TSP के ऊपर कुछ नया नहीं लगाया जाए तो यह बेहतर रहेगा, व्यवस्था सही चलेगी। जरूरत पड़ेगी आने वाले समय में तो आप नेट न्यूट्रलिटी वगैरह वगैरह बाकी चीज़ें जो है वो देख लेना, जो भी सरकार चाहती है, जो भी चाहते हैं हमारे प्रशासन। बात क्लियर है अभी, तो देखते हैं आने वाले समय में क्या होता है, नेट न्यूट्रलिटी लगती है या नहीं, और OTT
प्लेटफॉर्म्स के लिए कौन कौन से रेगुलेशंस किए जाते हैं देश में, क्योंकि भाई एक तरफ हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं जो बहुत सारी सीमाओं में बंद करके रेगुलेशंस में रह करके सभी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारा है एक OTT प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई बंद नहीं है, फ्री है पूरी तरह से, और वही काम वो भी कर रहा है। तो यार डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना व्यवस्था में, एक समानता आधारित व्यवस्था नहीं हो रही है, और जिसकी वजह से दिक्कतें खड़ी हो गई हैं, और यह पूरा का पूरा टॉपिक हम लोगों को आज करंट अफेयर की अपनी इस खास क्लास में पढ़ने के लिए भी मिला है। उम्मीद तो मैं यही करता हूँ कि आप लोगों को सारी सारी बातें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, आप समझ भी गए होंगे। लेकिन मैं इसके साथ इतना भी कहूँगा कि भाई अगर किसी भी पॉइंट में कुछ डाउट लग रहा है, कहीं पर आप कुछ जानना चाहते हैं, आपके मन में बीच में कोई क्वेश्चन क्लिक हो गया, तो आप बिल्कुल वो क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, इनका जवाब दिया जाएगा और आपके सभी जवाब को मिलेंगे। तो आप बिल्कुल चैट बॉक्स में आकर के क्वेश्चन रख सकते हैं। और जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया जल्दी से एक बार यार लाइक कर दीजिए, और जितने लोगों ने यार अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। बाकी आप अपने क्वेश्चन रख सकते हैं, फिर हम सेशन को ओवर करते हैं। What if TSP make changes on OTT for providing services as OTT is leaving just because of TSP? भाई साहब ये ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। Make changes on OTT for providing services, भाई सर्विस प्रोवाइड करने के लिए यह भेदभाव नहीं कर सकते, यह बड़ी कंडीशन है। फिलहाल जो ये TSP वाले टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, ये खुद भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप भी बहुत सारे कानूनों के अधीन हैं। पहली बात तो यह है कि चाहे प्लेटफॉर्म OTT हो चाहे प्लेटफॉर्म TSP हो, इनको रेगुलेशन का जो काम करना है वो रेगुलेशन का काम कौन संभालेगा? भाई आपके पास ट्राई है, ठीक है ना, ट्राई चल रहा है ना यहाँ पर। क्या कहता है ट्राई? टेलीकॉम को रेगुलेट करने के लिए अथॉरिटी पूरी पूरी बनाई हुई है, ठीक है। तो ट्राई के ऊपर जिम्मेदारी ट्राई संभालेगा, हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई है भाई, तो यह रेगुलेट करेगा मामला सारा सारा। या फिर भाई हमारे पास क्या है, सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यह जिम्मेदारी लेंगे, इनका काम है रेगुलेट करने का। चाहे फिर अब ये टेलीकॉम कंपनीज को रेगुलेट करें या फिर ये किसी और चीज़ को OTT प्लेटफॉर्म वगैरह रेगुलेट करें, पर वो इनकी अपनी मर्जी है, यह रेगुलेट करेंगे, ठीक है। जो कंपनीज है वो खुद कुछ नहीं कर सकती, वहीं कंपनी की मजबूरी यह बनी हुई है कि कंपनी को फिलहाल डाटा तो प्रोवाइड करना है, यानी जिससे कि लोग एप्लीकेशन यूज करें। ये लोग मना नहीं कर सकते कि भाई हम व्हाट्सएप के लिए डाटा नहीं देंगे, हम यूट्यूब के लिए डाटा नहीं देंगे, यह काम ये लोग नहीं कर सकते। चाहे बेशक सारा सिस्टम इनका है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका है, पर उसके बावजूद ही मना नहीं कर सकते। हाँ, इन्होंने क्या किया, इन्होंने गवर्नमेंट से बार बार अपील किया है, इन्होंने अलग अलग भाई पिटिशंस लगाई हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के अपील की है कि भाई हमारे अधिकारों का तो यहाँ गलत प्रयोग हो रहा है। जिस तरह से भाई क्रिश फिल्म के जिस हिसाब से भाई कोई मिल गया ऋतिक रोशन ने कहा था कि भाई मेरी शक्तियों का गलत प्रयोग हो रहा है, तो वहाँ पर ये वाली स्थिति इनके साथ में भी बनी हुई। यहाँ भी ये टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं ये लोग कोर्ट के साथ में जाकर के सामने जाकर के ये लोग सरकार के सामने जाकर के यही कहते हैं कि आप हमारे यहाँ पर तो हमारी शक्तियों का गलत प्रयोग हो रहा है, जिन चीज़ों को डेवलप हमने किया, तैयार हमने किया, भाई उन सभी चीज़ों को हमारे ही खिलाफ गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। यही तो उस फिल्म में भी हुआ था और वही काम यहाँ भी हो रहा है। यानी कि आप इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं और आप यानी कि आपने SMS प्रोवाइड किया, वॉइस कॉल प्रोवाइड किया, वीडियो कॉल प्रोवाइड किया, साथ साथ में आपने इंटरनेट प्रोवाइड किया। लोगों ने भाई SMS के लिए, वॉइस कॉल के लिए और वीडियो कॉल के लिए आपके इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, और आपके इंटरनेट का यूज़ करते हुए यह लोग चले गए हैं OTT प्लेटफॉर्म पर, और OTT प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए वॉइस कॉल वीडियो कॉल करे जा रहे हैं, SMS किए जा रहे हैं, और आपकी वॉइस कॉल को आपके SMS को अब कोई नहीं पूछ रहा है, किसी को चाहिए भी नहीं। एक समय हुआ करता था भाई दिन के 100 SMS मिला करते, लोग कितने बात करें भाई, अब तो यार हजारों की संख्या में होते हैं भाई। अब तो यह भी हो गया फोटोज भी शेयर करो, वीडियोस भी शेयर करो, पहले ये सभी चीजें नहीं हुआ करती थी। तो लोगों को बेनिफिट ज्यादा दे रहा है OTT प्लेटफॉर्म, लेकिन यह रेगुलेशंस के तहत नहीं है। बिना रेगुलेशंस के सारी की सारी कहानी, सारा का सारा काम यह चलाता हुआ आ रहा है, जिसकी वजह से टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को दिक्कत हो रही है। तो मामला जो है फिलहाल चल तो रहा है, ट्राई भी है भाई, और यहाँ पर हमारा भाई COAI भी है, सब लोग संभाल रहे हैं मामला। देखते हैं आने वाले समय में भाई नेट न्यूट्रलिटी और रेगुलेशंस आने वाले हैं, उम्मीद रखते हैं इनकी हम, और जब ये आएंगे तो फिर देखा जाएगा कि किस प्रकार से ये रेगुलेशंस होंगे और क्या व्यवस्था होनी चाहिए। बट आपका क्या मानना है? मेरा मानना तो यार ये है कि अगर इनको टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को इतनी परेशानी मिल रही है, दिक्कतें हो रही हैं, तो यार उसी काम के लिए आपने OTT प्लेटफॉर्म को क्यों फ्री किया हुआ है? जब आप चाहते हो आपके देश में यह रेगुलेशन के तहत काम हो, तो वहीं एक तरफ भाई आपके जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर आपने उनको रेगुलेशन में बांध रखा है, OTT वालों को आपने पूरा फ्री कर रखा है। तो ये गलत चीज़ है भाई, सेम चीज़ के लिए सेम रेगुलेशन होने चाहिए जिसको भी काम करना, चाहे आप OTT भी करो चाहे आप TSP भी करो, करते रहो रेगुलेशन, लेकिन आप फॉलो करोगे उसके लिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। और उसी की मांग फिलहाल हमारी अर्थव्यवस्था में हो रही है, उसी को मांगा जा रहा है, देखते हैं कि कब तक उनको यह सभी चीज़ें मिलती हैं। ओके, कोई और क्वेश्चन, कोई और कुछ और बात कहना चाहता है, कोई दलील, कोई अपील, कोई विषय, कोई प्रश्न, कोई शंका है तो यदि बिल्कुल आप आ सकते हैं चैट बॉक्स में।
तो या कुछ क्वेश्चन वगैरह नहीं है, उम्मीद करता हूँ सबको मामला क्लियर है और इसी के साथ में मैं फिलहाल इस सेशन को ओवर करते हैं यार। हम लोग वापस से मुलाकात होगी कब, कल कोशिश करते हैं आपके लिए वीकली करंट अफेयर टेस्ट रिवीजन की क्लास करने की, कल संभावना ज़्यादा है और कल कैस्ट क्लास हो सकती है, तो कल वाली क्लास का थोड़ा इंतज़ार कीजिएगा, उम्मीद करते हैं आपको मिल जाएगी और साथ साथ फिर हम लोग वापस से मिलते हैं। उसके बाद में मंडे करंट अफेयर क्लास हमारी जैसे कि कन्फर्म है तो तब मुलाकात होगी। तब तक के लिए भाई आई डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर ऑलवेज स्टेइंग कनेक्टेड विद अस, फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर काइंड बिहेवियर एंड इन सभी चीज़ों के चीज़ों सभी साथ की वजह से हम लोग इतना कुछ कर पाते हैं, सबके लिए कंटेंट प्रोवाइड कर पाते हैं। तो ऐसे ही साथ बने रहें, प्यार कर बनाए रखें एंड लाइक करें बिना नहीं जाइएगा। जितने लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए। जल्द मुलाकात होगी वापस से नई चीज़ों के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। क्या कह रहे हैं, कल अगर टेस्ट हुआ तो क्वेश्चंस इस वीक के आएंगे या पास्ट 3 वीक्स के? यार एक वीक के ही ले लेते हैं, अगर एक वीक के लेंगे तो भी सेशन काफ़ी अच्छा चलता है, टाइम हो जाता है, तो इस वाली वीक के ही लेते हैं पूरे वीक के, ठीक है। इस वीक में जो जो घटनाएं हुई थी उन सभी को लेंगे। हाँ, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि इस वीक में हमारी सारी क्लासेस करंट अफेयर की हुई, यानी कि मॉर्निंग भी, आफ्टरनून भी और इवनिंग भी, तो भाई क्वेश्चन जो है वो किसी भी सेशन से आ सकते हैं। तो वो आपके अब देखिएगा कि आपको तैयारी कैसे रखनी है और किस तरह की आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है मामला। तो बाय बाय, सी यू सून।